please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की मांग की है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केरल में बाढ़ के चलते हुई तबाही को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो आपको बता दें कि केरल में भयंकर बाढ़ आई और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया था। पूरे इलाके का 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात को माना है कि भयंकर बाढ़ है। आजादी के बाद से पहली बार इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। केरल में इतनी बड़ी बाढ़ आई है जिसमें कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग बेघर हो चुके हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने भी ये मांग की है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। केरल में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। केरल में बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से प्रदेश में अब तक 324 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से केरल में 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, जिन्होंने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। अकेले कोची में 400 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। दूसरी तरफ केरल के सभी जिलों में बारिश को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केरल में बाढ़ से हुई तबाही का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हवाई जायजा लिया है। केरल पहुंचे प्रधानमंत्री ने कोची समेत दूसरे कई इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्य सरकार और वायुसेना के अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी भी लेते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद माना है कि क्योंकि त्रासदी वहां पर काफी ज्यादा हुई और इसीलिए राहत पैकेज का ऐलान भी वहां पर किया गया है। 94 साल बाद इस तरह की आफत की बारिश आई है और आपको बताएं कि अभी तक कई लोगों की इसमें जान जा चुकी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। 324 आंकड़ा बताया जा रहा है फिलहाल इसमें मौत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वे किया है। जायजा लेने के बाद राज्य को 100 करोड़ के पैकेज का भी ऐलान किया। हवाई सर्वे से पहले प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी हाई लेवल मीटिंग की थी और उसके बाद हवाई सर्वेक्षण के बाद राहत पैकेज का ऐलान किया है। सीधा चलते हैं केरल के अलप्पू, जहां से अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। अनुराग, वहां की सीधी तस्वीरें हमें दिखाएं क्योंकि पानी पानी नजर आ रहा है केरला। देखिए बिल्कुल, केरला पानी पानी नजर आ रहा है और जहां पर बहुत वर्स्ट सिचुएशन है वो तो उसको तो छोड़ दीजिए, जहां पर हल्की फुल्की बारिश भी है वहां पर आप देखिए हम कोच्ची के रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो बाढ़ से किस तरीके से त्रस्त हैं लोग, वो तस्वीर अब खुल करके सामने आ रही है। हरिपद में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये एक कस्बा है अलप्पी डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर आप स्थिति देखिए, पिछले 3-4 दिन से लगातार ये हालात बने हुए हैं। ये सड़क जो है ये मेन मार्केट की सड़क है और मंदिर की तरफ सामने जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या घर क्या दुकानें सब कुछ यहाँ पर आपको डूबा हुआ नजर आएगा। लोग अपने वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो बाइक लेकर के आ रहे हैं उनकी कहीं पर बाइक बंद हो जाती है, कुछ लोग सक्सेसफुली उसको पानी को पार कर जाते हैं। 4 राहत शिविर यहां पर बनाए गए हैं अकेले हरिपद में, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर शिफ्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके घरों में आप देखिए किस तरीके की स्थिति है कि दरवाजे आधे आधे डूबे हुए हैं पानी में। इस तरीके की स्थिति तमाम घरों की इस पूरी कॉलोनी में और इसके आगे की तमाम कॉलोनियों में है। जो सरकारी स्कूल आसपास के हैं वहाँ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है रिलीफ कैंप के तौर पर, और जो तमाम लोग हैं वो इन जो दिक्कतों का सामना करते हुए अपना रोज़मर्रा का काम जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। जहाँ पर लोग बाहर नहीं निकल पा रहे वहाँ पर मदद पहुँचाने की कोशिश हो रही है और यहाँ पर सरकार की मदद की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, इसलिए लोग आपस में मदद कर रहे हैं। जी अनुराग, दो चीज़ें जो खबरें आ रही हैं ज़रा ये भी हमें समझाएं क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि पेयजल संकट भी वहाँ पर है, दूसरा ये कि राहत के पैकेट जो भेजे जा रहे हैं क्या वो लोगों तक पहुँच रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं? देखिए बिल्कुल, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखिए, जहां पर बहुत सीवियर सिचुएशन है वहां पर गवर्नमेंट ने पूरे अपने रिसोर्सेज को कंसंट्रेट किया है। केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं तमाम वो भी मदद कर रही हैं, सेना मदद कर रही है, एनडीआरएफ मदद कर रही है और कोशिश ये की जा रही है जो बाकी राज्यों से मदद आ रही है उसको केरल के हर इलाके में पहुँचाया जा सके। लेकिन जैसा कि हम सुबह से बता रहे हैं कि जो रोड रूट है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। आप 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर छोड़ दें तो बाकी 14 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो संपर्क में नहीं है, आप रोड के जरिए वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से मदद पहुँच पा रही है। एक त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट अगर खुला हुआ है यहाँ पर, तमाम मदद भी अगर पहुँच जाए तो वो कोच्ची नहीं पहुँच सकती है क्योंकि जो सड़क का रूट है
वो पूरी तरह से खराब हो गया और सारी सड़कों की हालत लगभग यही है जो इस वक्त आप हमारे पीछे देख रहे हैं। लगभग इस तरीके के हालात हैं, पानी हर जगह भरा हुआ है, कई जगह पर सड़कें टूट गई हैं, उसकी वजह से आवाजाही नहीं हो पा रही है। यानी जहां पर सीवियर सिचुएशन है वहां तो फिर भी एयर ट्रैफिक के जरिए कंसंट्रेट कर पा रही है गवर्नमेंट, लेकिन जहां पर बहुत बुरी स्थिति नहीं है जिसको मान करके चल रही है सरकार की, यहां पर बाढ़ की स्थिति बहुत सीवियर नहीं है, उन लोगों पर कंसंट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रिसोर्सेज भी नहीं है, इसलिए उनकी मुसीबत भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में अगर पानी भरा है तो आपको ज़रूरी सुविधाएं भी मुहैया होना, पीने के लिए पानी मुहैया होना वो मुश्किल हो गया है। जबकि सरकार अभी तक जो बाढ़ के बीच में फंसे हुए लोग हैं जहां पर बहुत सीवियर सिचुएशन है, जैसे कोच्ची में आज भी कहा गया है कि हैवी रेनफॉल होगा, वहां से लोगों को निकालने में ही सरकार के सारे रिसोर्सेज अभी लगे हुए हैं।